अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम रिफत मसूदी फ्रॉम बॉयज़ मिडिल स्कूल कारिहामा टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक बीरबल डिवाइस फ्रॉम योर इंग्लिश सम बुक ऑफ क्लास फिफ्थ बीरबल दाइज बीरबल जो था वो दानाई से वो वो बहुत दाना आदमी था इसलिए वो बहुत मशहूर थे अपनी इस समझदारी से बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज विट इन इंडियन हिस्ट्री बीरबल जो थे वो बहुत मशहूर थे इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत मशहूर हैं अपनी दानाई से अपनी समझदारी की वजह से ही वॉज़ अपॉइंटेड अपॉयड एंड सिंगर इन दी कोर्ट ऑफ एम्पर अकबर वो अकबर की सल्तनत में एक पॉइट और एक सिंगर की हैसियत से अपॉइंट हुआ था बट हिज़ सोन हिम ए प्लेस ऑफ़ कोटियर एमंग द नौरतनाज ऑफ अकबर लेकिन अपनी सूझबूझ की वजह से अपनी समझदारी अपनी जहानत की वजह से वो अकबर के जो को, जो नौरतनाज थे उनमें एक शामिल था वो भी रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्पस बीरबल सालो ए ट्रिकी सिचुएशन आप ये कहानी पढ़ो एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बीरबल की वो समझदारी वो इंटेलिजेंस वो जहानत जो थी उसकी वजह से वो कैसे जो भी कोई ट्रिकी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन वो कैसे उसको हैंडल करता था सॉलू करता था उस तो सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालता था विट इज़ ए पाइवोटल पार्ट ऑफ वनस पर्सनालिटी विथ जो है समझदारी जो है अपने दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जिसको हम जहानत भी कह सकते हैं समझदारी भी कह सकते हैं उसका इस्तेमाल करना वो समझदारी इंसान की पर्सनालिटी में अहम रोल अदा करती है इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग कीन परसेप्शन एंड मेंटल एक्यूटी इसकी मदद से जो इंसान का एक नज़रिया होता है इंसान की इंसान का एक देखने का तरीक़ा होता है मेंटल एबिलिटी होती है वो इंसान की वो मेंटल कैपेसिटी मेंटल एबिलिटी इंसान की डेवलप हो जाती है दिस कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिव थाट एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग हेल्पस वन हैंडल हा आकवर्ड एंड ट्रिकी सिचुएशंस इन एन इंटेलिजेंट वे इससे क्या होता है इंसान में जो नए विचार आ जाते हैं कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिव थाट जो इंसान में कैपेसिटी होती है जो इसके अंदर ये जो नए नए ख़्याल नए नए विचार आते हैं इससे क्या होता है इंसान किसी भी आ, मतलब ट्रिकी सिचुएशन या कोई भी अजीब गरीब सिचुएशन में फंस जाता है वो बड़ी समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल करके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालता है समझदारी से काम लेकर अपने ये ट्रिकी सिचुएशन हो कोई आकर कोई अजीब गरीब सिचुएशन हो उससे अपने आ, उसको हैंडल अच्छी तरह करता है अब हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं वंस सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर कैम टू दहली ऑन बिजनेस एक दिन सूर्या सिंह जो मणिपुर के प्रिंस थे बादशाह थे वो कहाँ जा रहे थे दहली किसी बिजनेस के काम से ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन वो अकेले सफ़र कर रहा था इट वॉज ए सीक्रेट मिशन लेकिन जिस मुद्दे के लिए वो जा रहा था वो एक सीक्रेट था किसी को नहीं बताया था वो गुपचुप मिशन था सो ही डिड नाट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट वी हिम इसलिए उसने अपने आप के साथ कोई सर्वेंट कोई भी अपने आप के साथ सर्वेंट कोई नौकर साथ नहीं लाया था ऑन द वे ही सॉ ए वीक एंड टायर्ड लुकिंग मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड तो रास्ते पे उसने क्या देखा एक रास्ते के किनारे पे उसने क्या देखा एक वो दुबला पतला एक थका हुआ आदमी बैठा था ही स्टॉप हिज हॉर्स एंड आस्कर हिम विच वे यू आर गोइंग उसने अपना जो घोड़ा था जिस घोड़े पे वो सवार था वो रोका और उससे पूछा कि आप किस रास्ते से जा रहे हो आई हैव टू गो टू दहली सर जनाब मैं दहली ये बूढ़ा जो दुबला पतला आदमी रोड के किनारे पर बैठा था तो उसने उससे जवाब दिया सर मैं दहली जा रहा हूँ आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइट फॉल में रात होने से पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ मैं मतलब रात होने से पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ बट आई विल नेवर यू लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ सूर्या सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम सूर्या सिंह को इस बार ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ इस बूढ़े के लिए उस कमज़ोर आदमी के लिए बहुत दुख हुआ गॉट ऑफ इस हार्स वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उससे कहा आस्कर द मैन टू गेट ऑन टू इट आप इस घोड़े पे चढ़ो आप इस घोड़े पे सवार हो जाओ यू राइड माई हार्स आप मेरे घोड़े पे सवार हो जाए एंड आई विल वॉक मैं चलूँगा ऐसे ही चलूँगा आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली मैं भी दहली जा रहा हूँ बट आई डोंट नो द रोड वेरी वेल लेकिन मुझे रास्ता अच्छे तरीके से अच्छी तरह मालूम नहीं है मुझे मुझे भी दिल्ली जाना है लेकिन रास्ता मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है यू कैन शो मी द वे आप मुझे रास्ता दिखा सकती हो द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंस हार्स और जो आदमी था ये इस प्रिंस के हार्स जो ये बादशाह दिल्ली किसी बिजनेस काम के लिए जा रहा था गॉड ऑन दार्स प्रिंसिस हार्स सूर्या सिंह वाकड बिस हिम सूर्या सिंह भी इसके साथ साथ जा रहा था वैन दराव ऐट दिटी जब यह सिटी ऐट दिटी गेट जब ये मतलब इस सिटी में पहुँचे तो सूर्या सिंह आस्कर्ड हिम दस्कर्ड द मैन टू गेट डाउन सूर्या सिंह इससे पूछ अब कहता है कि अब आप नीचे उतरू गोड़ी से द मैन लोकड सरप्राइज जो आदमी इसके साथ था ये बहुत जो आदमी उसको रास्ते में मिला जिसको उसने अपने साथ लिया ये उसे हैरान होकर देख रहा है व्हाई शुड आई गेट ऑप मैं इसे उतरूंगा ही ऑस्कर इसने पूछा थैंक यू